फिर स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए देखिए हमारे साथ देश और दुनिया की ताजा खबरें। भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर अंबेडकर पार्क मालगोदाम रोड चंदौसी तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के निवास पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस तथा उनके पिता स्वर्गीय चिरंजी लाल का परिनिर्वाण दिवस और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परम पूज्य भंते प्रज्ञा रश्मि ने परित्राण पाठ कर भगवान बुद्ध का संदेश देकर पंचशील दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कामरेड भगवान दास शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश का वह गौरव है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज देश में संविधान तथा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर संविधान को ईमानदारी से लागू किया जाता तो देश की दिशा और दशा कुछ और ही होती। आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, यहाँ मौजूद मेरे सरपंच, मेरे बुजुर्ग श्रद्धेय भगवंत शर्मा जी, भाई अश्वाक भारती जी, भाई योगेश जी, हमारे अध्यक्षता कर रहे राम सिंह जी, संचालन कर रहे कार्यक्रम का मेरे बड़े भाई जन्म निरंजन, यहाँ उपस्थित मां शक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी वक्ता बहुत ऐसा बताया कि विस्तार से लगातार चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन आज के दिन की महत्वपूर्ण इसलिए है सबसे ज्यादा कि बाबा साहब ने प्रत्येक प्रतिमा में एक इशारा किया था हमको, उंगली उठा करके इस देश के संसद की तरफ, संसद हो या विधायिका हो, उन्होंने कहा था कि यही ऐसी जगह है जहां से पूरे दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, जो किसी कारण पीछे रह गए तमाम लोगों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का अगर कोई रास्ता है तो इस संसद की ओर से और विधायक की ओर से जाता है, क्योंकि लोकतंत्र है। मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का इसलिए भी है कि पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा अगर कोई है तो प्रदेश है, और इस बात से कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज देश का संविधान से लेकर के लोकतंत्र से लेकर के जनमानस के अधिकारों को तथा आम व्यक्ति के, आम नागरिक के अधिकारों का भी हनन होने का खतरा इस समय बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि आज बाबा साहब को बार अर्पण करना, पुष्पांजलि अर्पित करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना परंपरागत है। इस विषय में क्योंकि वैचारिक साथी बैठे हुए, गुरुदेव भगवान शर्मा बैठे, भारती जी बैठे हुए, आप सबको बताएंगे कि बाबा साहब ने तथा भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि विचारों की महत्ता को ध्यान दिया था। आज भगवान तथागत बुद्ध के विचारों को अनुसरण करना, बाबा साहब के विचारों को अनुसरण करना। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।